काशी काबा एक है और एक है राम रहीम, ये बात शायद गोदी मीडिया और सुदर्शन चैनल के मालिक भूल चुके हैं। तभी तो नफरत फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। कभी किसी को आतंकवादी बता देते हैं तो कभी किसी को चोर घोषित कर देते हैं, जिसके सबूत भी आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे सुदर्शन चैनल राष्ट्रवादी चैनल का ठप्पा लगाकर क्या कुछ कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज, मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। गोदी मीडिया को हिंदू मुसलमान करना और सीधे तौर पर मुसलमानों को बदनाम करना महंगा पड़ रहा है। इससे पहले तो आईबी मंत्रालय ने फटकार लगाई थी, जिसका असर कुछ दिन तक दिखा, लेकिन फिर उसके बाद कुछ तथा कथित राष्ट्रवादी चैनल खुद को सबसे अच्छा हिंदू चैनल बनाने की आड़ में देश को धर्म का जहर बेच रहे हैं, जिसके खिलाफ अब एक्शन होगा। एक्शन सुना ना दोस्तों, हाल ही में दिल्ली में एक एएसआई का मर्डर खुलेआम हो गया था और आरोपी का नाम था अनीश राज, लेकिन सुदर्शन चैनल ने आरोपी को मुस्लिम बनाकर पूरी कौम को बदनाम कर दिया। सुनने में शायद यकीन ना हो, लेकिन आप उसकी वीडियो को देख सकते हैं, देखिए कैसे क्या किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें जो कि राजधानी दिल्ली से इस वक्त मिल रही है, नहीं रहे हैं दिल्ली पुलिस के एसआई। बड़ी खबर आपको मिल रही है और आपको बता दें राजधानी दिल्ली से जानकारी मिल पा रही है, उनका निधन हो गया है। जो जानकारी इस वक्त हमें प्राप्त हो रही है, बताया जा रहा है कि नहीं रहे वो, और फिलहाल कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको बताने की कोशिश करेंगे। दिल्ली पुलिस के एसआई शंभू दयाल नहीं रहे और बताया जा रहा है कि जिहादी मोहम्मद अनीश ने उनकी हत्या की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई दिनों से बताया जा रहा है कि जीवन मृत्यु की जंग से वे जूझ रहे थे। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिहादी मोहम्मद अनीश ने हत्या को अंजाम दिया। चाकुओं से जिहादी अनीश ने शंभू दयाल पर हमला किया था और कई दिनों से आपको बता दें कि वो अस्पताल में भर्ती थे और आज वह नहीं रहे। दिल्ली पुलिस के एसआई शंभू दयाल फिलहाल अब नहीं रहे। बताया जा रहा है कि जिहादी मोहम्मद अनीश ने उन पर हमला किया था, चाकुओं से उन पर हमला किया गया था। तो बताया जा रहा है कि आज अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। मायापुरी के महिला की मदद करने के बाद ये पूरा मामला सामने आया है, जहां एसआई शंभू दयाल का अस्पताल में बताया जा रहा है कि इलाज चल रहा था। महिला की मदद करने के लिए बताया जा रहा है कि वह गए थे, जिस दौरान मोहम्मद अनीश ने उन पर हमला कर दिया था। देखा आपने, अब इसी मामले पर पुलिस का एक्शन हुआ है। एक खबर के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर कहा कि एएसआई शंभू दयाल के हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान अनीश राज के रूप में हुई है, जो प्रहलाद राज का बेटा है। पुलिस ने उन अफवाहों को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि मामला सांप्रदायिक था, क्योंकि कुछ लोग ने आरोपी की पहचान मोहम्मद अनीश के रूप में की थी, ना कि अनीश राज के रूप में। दिल्ली पुलिस ने अपने पोस्ट में कहा है कि आरोपी अनीश राज एक अपराधी है, जिसने एएसआई शंभू दयाल पर उस वक्त चाकू से हमला किया जब वह मोबाइल फोन चोरी करते पकड़ा जा रहे थे। मामला सांप्रदायिक नहीं है, सोशल मीडिया में कुछ हैंडल से गलत और भ्रामक जानकारी दी जा रही है। इस मामले पर पत्रकार वसीम अकरम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि एएसआई शंभू दयाल के हत्या आरोपी का नाम अनीश राज पुत्र प्रहलाद राज है, लेकिन कुमार सागर जैसे नफरती चिंटुओं के हैंडल द्वारा गलत व भ्रामक जानकारी देकर समाज में नफरत फैलाई गई। एक समुदाय विशेष को टारगेट किया गया, इन नफरती चिंटुओं को गिरफ्तार कर जेल में डालें। एक और पत्रकार ने ट्वीट में लिखा है कि नफरत फैलाने वाले भेड़िए कुछ नहीं देखते, दिल्ली में सरेआम एएसआई शंभू दयाल को अनीश राज पुत्र प्रहलाद राज ने चाकू मारकर मार डाला। नफरत के सौदागरों ने अनीश नाम सुनकर उस हत्यारे को मुसलमान बना दिया। सच सामने आ गया है, अब शंभू दयाल को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें नफरत नहीं है। दूसरे ट्वीट में लिखा है कि सरकार भी चुप है,
हत्यारे बलात्कारियों को धर्म के हिसाब से न्याय दिया जा रहा है, कल जात के हिसाब से न्याय मिलेगा। देखिए कैसे अनीश राज को जिहादी बता दिया था, अब जिहादी नहीं लिखा जाएगा। जवाब आप अच्छे से जानते हैं। एक और यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आखिर पुलिस सुदर्शन चैनल पे एक्शन क्यों नहीं लेती है, जो दिन रात झूठ बोलकर देश में नफरत फैला रहा है। आखिर क्या मजबूरी है पुलिस की जो सफाई दे रही है लेकिन एक्शन नहीं ले पा रही है। एक और अन्य यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हत्या की अनीश राज ने, बीजेपी आईटी सेल के इशारे पर नामकरण हुआ जिहादी अनीश। फिर नोएडा के कोठा चैनलों ने खूब हिंदू मुस्लिम किया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि एएसआई को चाकू घोंपने वाला मायापुरी निवासी अनीश राज था। भारत ने एक बार फिर पत्रकारिता की मिसाल कायम की। अब सच आपके सामने है, मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए बीजेपी और गोदी मीडिया क्या क्या कर रही है। इस खबर को देखकर आप भी समझ सकते हैं। इस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ऐसी और खबरों के लिए बने रहें कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।